नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं इस लकी बैम्बो प्लांट की केयर के बारे में। ये प्लांट ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करता है, बैम्बो फैमिली से बिलोंग नहीं करता है और इस प्लांट को लकी माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से हर प्लांट लकी होता है और ये तो आप सभी जानते हैं कि ये इंडोर प्लांट है और इसे इंडोर ही रखा जाता है। और अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो ये प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, इसकी लीव्स जो हैं बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो इंडोर प्लांट, बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि इंडोर कौन सा प्लांट रखें, तो मेरा सबसे पहला आंसर यही रहता है कि आप लकी बैम्बो को रखें, क्योंकि जो और इंडोर प्लांट है उन्हें हफ्ते में एक बार धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर उन्हें धूप नहीं दिखाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा प्लांट है जिसे आपको धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिना धूप के बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। और इस प्लांट को मिट्टी और पानी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतया लोग इसे पानी में ही ग्रो करते हैं और पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और मैंने भी इसे पानी में ही लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की केयर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इस प्लांट को किसी भी फर्टिलाइजर की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होती है। जब से मैं प्लांट लाई हूँ तब से मैंने किसी फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये पानी में ग्रो कर रहा है और इसकी जड़ें कितनी अच्छी तरीके से फैल रही हैं और इसकी लीव्स भी बिल्कुल ग्रीन है और ये केवल पानी में ही है। और अगर आप इस प्लांट पर फर्टिलाइजर ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लांट का अलग से फर्टिलाइजर आता है लकी बैम्बो का, आप उसे ही ऐड करें, दूसरे फर्टिलाइजर को ऐड ना करें। वैसे अगर आप इसका हर हफ्ते पानी बदलते हैं तो आपको फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं है, पानी में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। और अगर आप इस प्लांट को पानी में लगा रहे हैं जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, तो इस प्लांट की जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी हुई होनी चाहिए। अगर जड़ों में पानी नहीं डूबा हुआ होगा तो जड़ें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ तक ये देखिए, पूरी तरह डूबनी चाहिए इसकी जड़ें। और आप इस प्लांट का पानी जो है हर हफ्ते चेंज करें, और जब भी आप इसका पानी चेंज करें, जो इसमें मैंने स्टोन डाले हुए हैं उन्हें भी आप साफ करें, साथ में कंटेनर को भी साफ करें और जो ये प्लांट है इसको भी अच्छी तरह से साफ करें, तब फिर दोबारा से इसे लगाएं, जिससे हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो होगा और हेल्दी भी रहेगा। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ जब भी, और बीच बीच में 5-6 दिन में मैं इसका पानी का स्प्रे भी करती रहती हूँ, जिससे इसको फुल मॉइस्चर मिलता है पत्तियों में भी और जिससे भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। हो सके तो आप इसमें हमेशा प्योरीफाइंग वाटर का यूज करें, आरओ का पानी, नॉर्मल पानी को अवॉइड करें। और अगर आपके यहाँ के पानी में क्लोरीन या चूने की मात्रा कम है तो आप नॉर्मल पानी का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपके प्लांट को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है तो आपका प्लांट खराब हो सकता है, तो इसलिए आप हमेशा प्योरीफाइंग वाटर का ही यूज करें। और अब बात आती है कि कभी कभी इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। मेरे प्लांट की कोई भी पत्ती पीली नहीं है, तो उसका यही कारण है कि मैं हफ्ते में जरूर इसका पानी बदलती हूँ, साथ में सारी चीज की मैं सफाई भी करती हूँ, तो जिससे है कि उसमें सड़न नहीं पैदा होती है, तो वह हमारी पत्तियां भी पीली नहीं पड़ती हैं। तो आप भी ऐसा करें कि हमेशा इसका पानी बदलते रहें, और जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं उन्हें आप हटा दीजिए, और जो स्टेम होती है इसकी, जो मैंने आपको दिखाई थी नीचे की, अगर वो पीली पड़ रही है, सड़ रही है, तो आप उसे तुरंत रिमूव कर दीजिए। ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सारा जो प्लांट है वो खराब हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इस प्लांट के लिए, जब भी इस प्लांट को आप पानी में लगाएं, किसी भी पॉट में या कांच के पॉट में लगा रहे हैं, तो आप नीचे स्टोन जरूर डालें, उसके ऊपर इस प्लांट को रखें, देन पानी डालें। ऐसा करने से अगर हम डायरेक्ट उसको वैसे ही रख देते हैं तो उसकी जड़ों को फैलने में दिक्कत होती है, तो स्टोन की वजह से उसकी जड़ें फैल जाती हैं आसानी से, तो आप स्टोन जरूर रखें। तो आई होप फ्रेंड्स, इस प्लांट की छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस प्लांट पर चाहते हैं, मुझे ये भी कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।